نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. गुफ्तगू से पहले तफन्नुन तबा के लिए एक बात अर्ज करूं कि मेरे साथ और हमारे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल बाबा शाह मंसूर साहब के साथ एक ही जैसा एक मामला हुआ है, और मामला ये हुआ कि पिछले 3-4 सालों में हमारा तारुफ कुछ अजीब सा हो गया है। मुझे पहले जब बुलाया जाता था तो कहा जाता था ये असीर माल्टा मौलाना उजैर गुल साहब का पोता है और दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद उल हदीस मौलाना नाफे गुल साहब का पोता है, बिनोल टाउन के उस्ताद मौलाना अब्दुल्ला काका खेल का बेटा है, कौन सा अदनान वो वाला अदनान। अब कोई पूछे कौन सा अदनान तो कहते हैं मुशर्रफ वाला अदनान। तो एक तो ये इस पता नहीं ये तारुफ है या ये मजम्मत है। इसके बाद जो इसी चूंकि यही का यही मामला मौलाना मुफ्ती अबुल बाबा साहब के साथ हुआ, उनकी किताब दज्जाल ने बड़ी शोहरत पाई है और शायद उसकी जितनी कापियां इस आखिरी इस दौर के अंदर तकसीम हुई हैं, वाहिद किताब है जो 10,000 के एडिशन छपता है और किताब प्रेस में अभी घूम रही होती है कि पूरी दिख चुकी होती है। तो जब लोग पूछते हैं कि कौन सा मुफ्ती तो कहते हैं दज्जाल वाला मुफ्ती, तो वो कहते हैं कि मैं दज्जाल वाला मुफ्ती नहीं, मैं इमाम मेहदी वाला मुफ्ती हूँ। लेकिन तारुफ यही है कि वो कौन सा मुफ्ती थी दज्जाल वाला मुफ्ती। तो ये दो हम एक जैसा मामला दोनों के साथ हुआ है, खुदा जाने ये कब तक चलेगा सिलसिला। हमारा ख्याल यह था कि मुशर्रफ के इस मुल्क से चले जाने के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। आज जिस मकसद के लिए यहां पर इकट्ठा होना हुआ है, सबसे पहले तो मैं जहां से आया हूं और इत्तेहाद अहले सुन्नत के रहनुमाओं को हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब मुनव्वर कामिल बरकातहु को, हजरत मौलाना इलियास घुम्मन साहब को, अपने इदारे की तरफ से हमारे मुहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, शेख उल हदीस मुफ्ती मोहम्मद साहब, मुफ्ती अबुल बाबा साहब, उन तमाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात तमन्नाओं और भरपूर तआवुन की यकीन दहानी के साथ यहां उनकी नुमाइंदगी भी कर रहा हूं इदारे की जामतुल रशीद की, उससे मुंसलिक तमाम रिफाही इबलागी अखबारी इदारों की भी। और हम हकीकतन ये समझते हैं कि ये जो आवाज है, ये जो दावत है जिसको लेकर ये हजरात उठे हैं, ये इल्म की उस रिवायत की पासदारी है जो जहालत के मुकाबले में आई है। ये जो साथी अहले इल्म है वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं उन साथियों से अर्ज करूंगा कि जो मदारिस के निजाम से वाबस्ता नहीं है, दीनी तालीम पढ़ने पढ़ाने के निजाम से वाबस्ता नहीं है, कि क्या इसको जहालत की रिवायत नहीं समझा जाएगा अगर दुनियावी उलूम के एतबार से देखा जाए। कि कोई आदमी इस वक्त खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि जो तबियात के, जो कीमिया के, जो हयातियात के यानी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के जो मुसल्लमा उसूल हैं, जो जवाबित हैं, जो कवायद हैं, जिसकी बुनियाद पर काम बहुत आगे जा चुका है, दुनिया उसके नतीज देख रही है, कोई आदमी उसका यकसर इनकार करके असर नौ उन तजर्बात को करने की दावत उठाए। कोई कहे कि मैं न्यूटन के कवानीन नहीं मानता, मैं आइंस्टाइन के कवानीन नहीं मानता, मैं ये बुखारात से मुतालिक जितनी पेशरफ्त हुई है और उस पर बात जहां तक गई है मैं उसको नहीं मानता, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जितना सफर किया है मैं मुहद्दिकीन की आरा से बहुत इख्तिलाफ रखता हूं, क्योंकि हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी बंदे हैं हम भी बंदे हैं, हम असर नौ दोबारा हम पहिए को दोबारा ईजाद करेंगे। पहियों की ईजाद का भी इनकार करते कि जो पहिया ईजाद किया गया था वो भी बंदे ने किया था, तो हम असर नौ पहिया ईजाद करेंगे। अंग्रेजी का मुहावरा है जब कोई आदमी उस काम को करना चाहे जो काम बार बार किया जा चुका हो तो कहते हैं कि पहिया दोबारा से ईजाद कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे कि ये दुनियावी उलूम में इसको इस मिसाल के जरिए से समझना आसान है, ऐसे उलूम दीनिया के अंदर भी एक रिवायत आई या मजहबी हलकों के अंदर, जहां पर 1300-1400 सालों की उन तहकीकात से उम्मत के जहीन तरीन अफराद से जो नबूवत के जमाने से इंतहाई कुर्ब रखते थे, जिनको बराह रास्त एक या दो वास्तों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अत्थर तक रसाई थी, उनकी तहकीकात,
उनकी तशरीहात उनके इश्तिहादात का इनकार करके 13वीं और 14वीं सदी का मुखल्लिद का एक जाहिल कहता है कि मैं असर लो अपनी तहकीक का मदार चंद हरूफ पर रखूंगा, चंद अल्फाज पर रखूंगा, जो चीज मुझ तक पहुंची होगी मैं उसी के ऊपर पूरे पूरे मजहब की बिना रखूंगा। तो इस जहालत की रिवायत के मुकाबले में इल्म के चिराग जलाना बड़ा जरूरी है। एक तो ये जरूरत है इस काम की बहुत ज्यादा, और आमतुन्नास को इस गुमराही से निकाला जाए कि उनको जो बराह रास्त कुरान सुन्नत की दावत यकीन इतनी पुरकशिश है, इस लफ्ज में इस नारे में कशिश है कि आओ किताबुल्लाह की तरफ, आओ सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ। हर इंसान को इसका यकीन शौक होता है और जज्बा होता है, लेकिन उसकी दरहकीकत हकीकत क्या है तो उसके समझने के लिए मजालिस का इनेकार बड़ा जरूरी है। और आज जो ये हम लोग यहाँ इमाम आजम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इकट्ठे हुए हैं तो ये भी एक और रिवायत का तसलसल भी है, और वो रिजाल की किताबों में और जरा कादिर की किताबों में और सीर और सवाले की किताबों में आइम्मा ने इमाम आजम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीफ और तौसीफ की है और उनकी जो मनकबत और उनकी जो शान बयान की है और उनके इश्तिहादात को जो दर्जा दिया है और उनके इल्म और उनके तफक्कुह को इस्लाम की तारीख के अंदर जो मर्तबा अदा किया है ये भी चलती हुई रिवायत है जिसका तसलसल कायम रहना चाहिए। और अहले इल्म को कता नजर के वो हनफी हो या ना हो, वो लोग जो किताब सुन्नत से वाबस्ता है किसी भी इमाम की तकलीद करते हुए उनको चाहिए, क्योंकि ये जो हमें रिजाल की किताबों में जो अकवाल मिलते हैं वो सिर्फ अहनाफ के अकवाल नहीं है। वो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि अहनाफ जमा हुए हैं या अहनाफ ने अपनी किताबों में अपने तस्करों में या सीर सवाले की किताबों के अंदर उन्होंने इमाम आजम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ व तौसीफ की हो और उनके इज्तिहादात और उनके इस्तिंबात को की कदरदानी की हो, बल्कि जिस भी मजहब से उनका ताल्लुक है और चाहे वो बेशक खुद मुश्तहिद हैं, उनके अकवाल हैं जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मारूफ मकूला है जुबान इज्जत आम खास है कि अन्नास अय्यान फिल फिक्ह अला अबी हनीफा, के सारे के सारे लोग जितने लोग हैं दुनिया के अंदर ये फिका के मामले में फिका के अंदर दीन की समझ और बूझ के मामले में किताब सुन्नत के फहम के मुकाबले में के बारे में इमाम साहब के दस्तरखान के होशाचीन हैं। सारे के सारे इमाम साहब के दस्तरखान के ऊपर बैठे हैं। इमाम सौरी और इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह का मशहूर मकूला है कि अफ़क़हुन्नास अबू हनीफत रहिमहुल्लाह, या अबू हनीफत अफ़क़हुन्नास। मोहम्मद इब्न इसहाक साहिब अल-फ़हरिस्त मशहूर आदमी है और उनके मजहब के बारे में मामले के खिलाफ अहले इल्म को पता होगा, बाज़ हज़रात के नजदीक बहरहाल वो शाफ़ी मजहब है, बाज़ हज़रात की दूसरी आरा भी है। वो कहते हैं कि अल-इल्म बर्रन व बहरन शर्कन व गर्बन बुअदन व क़ुरबन तदवीरुहु रदियल्लाहु अन्हु। जितना भी इल्म है और जहां पर भी है, चाहे वो बर्रन व बहरन शर्कन व गर्बन बुअदन व क़ुरबन तदवीरुहु रदियल्लाहु अन्हु, ये सब उन्हीं की तदवीन है, ये सब उन्हीं का इकट्ठा किया हुआ ये सारा सामान है, ये जिससे पूरी उम्मत आज ही मुस्तफीद हो रही है। और इमाम अब्दुल बहाब शहरानी का मारूफ मुकाशफा है, जो खुद शाफी मजहब है और मारूफ शाफी इमाम है तसव्वुफ के भी और फिका के भी, कि उनका मुकाशफा है कि ये नहर क़यामत तक रहेगी। वो कहा करते थे मैंने खुद ख्वाब में देखा कि चार शरीयत का सर चश्मा है, वो चश्मा जहां से शरीयत निकली है और उससे कुछ छोटी छोटी और बड़ी नहरें निकली हैं उस चश्मे से, उसमें से कुछ नहरें तो कुछ आगे जाकर सूख गई हैं और चार नहरें हैं जो कि चली हैं, उनमें से तीन जो है वो छोटी हैं और एक बहुत बड़ी नहर है जो कि आखिर तक चली है, जब तक शरीयत ने रहना है सुबह क़यामत तक। और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजहब की नहर थी और ये बाकी तीन अइमा की नहरें हैं, ये भी चलेंगी और बाकी जो नहरें जो खुश्क होती भी नजर आई हैं ये वो उन मुज्तहिदीन के इज्तिहादी मजाहिब थे जो कि कोई 100 साल चला है, कोई 150 साल चला है, कोई 200 साल चला है, उसके बाद आज उनके मुकल्लिदीन में से कोई भी रूए जमीन पर कहीं पर भी मौजूद नहीं। देखिए अगर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फजाइल व मनाकिब पर यहाँ इंशाल्लाह बात होगी और अहले इल्म गुफ्तगू फरमाएंगे, आज के जमाने के साथ जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की के तर्ज तफकीर को जो मुनासबत है जो ताल्लुक है बड़ा अहम है। इमाम साहब ने इस मजहब की बुनियाद किस जमाने में डाली है और किस दौर में किस अंदाज से रखी है इसको समझने की बड़ी जरूरत है कि वो दौर है जबकि मुज्तहिदीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और उसके अंदर अहर मुज्तहिद भी है, बाज ऐसे भी हजरात उस जमाने में जिनके इश्तिहाद पर अहले इल्म को इख्तिलाफ भी रहा है और इसके अंदर बड़ी से बड़ी आरा भी मौजूद है। आप हजरात को अच्छी तरह इल्म, खुद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को मुज्तहिद मुस्तकिल मानने में बहुत से अइमा इल्म को इससे इख्तिलाफ है
और वो इब्न अब्दुल बर ने भी अपनी किताब में अइमा तीन ही अइमा को मुज्तहिद मुस्तकिल माना है, और इमाम अहमद हम्बल को वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मजहब का एक मुहद्दिसाना एडिशन समझते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मजहब से तफक्कु को कुछ कम और हदीस को कुछ ज्यादा किया जाए तो उनका ख्याल है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल का मजहब बनता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को वो दौर है जिसमें मुज्तहिदीन बहुत ज्यादा मौजूद है, फिकही अकवाल की और इज्तिहादात की गर्म बाजारी, और उसमें बेशुमार लोग, जो काजी या मुफ्ती उस जमाने मुंतब में जिसको ये मनसब पर बैठा उसके लिए मुज्तहिद होना जरूरी समझा जाता। तो कुछ तो वो लोग जो बाकी मुज्तहिद हैं और कुछ लोग जो बाहर हर इज्तिहाद के मुद्दई हैं या उनका हल्का असर उनको मुज्तहिद समझता है। इस माहौल में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इन अश्ताद को या इस तशद्दुद को जो अकवाल का था उसको एक ऐसे मुंजबित कवायद के अंदर लेकर आए हैं जिसमें दो कमालात की है। एक तो ये कि वो इज्तमाई शुराइयत का निजाम जो कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का तसव्वुर था, कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के जमाने में मसाइल जो थे वो सहाबा की एक मुंतखब सी शूरा थी जिसके अंदर रखे जाते थे और वहां पर उसके फैसले होते थे। बैन ही वैसे ही मामला इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया, और एक 40 रुकनी फुकहा जो कि मुख्तलिफ फनून के माहिर थे, मुख्तलिफ उलूम में उनकी खसूसी महारत थी, और उसका पता ऐसे चलता है कि वकी की इमाम वकी की मजलिस में किसी ने कहा कि अख्ता अबू हनीफा, कि अबू हनीफा ने गलती की इस राय के अंदर, तो वकी बरजुस्ता बोले कई फयुख्ती, अबू हनीफा कैसे गलती कर सकते हैं, यानी मतलब उनका यह था कि अकलन हो सकता है आदतन नहीं हो सकता। कहा ये 40 अफराद उसकी शूरा में बैठे हैं, गलती किस फन में की है, अगर हदीस में की है तो फलाना बैठा है, अगर उसने मानी में की है तो फलाना बैठा है, अगर जुहद में की है तो फलाना बैठा है, अगर कयास में करता है तो इमाम जुफर बैठा हुआ है, अगर इस मामले में करता है तो फलाना, जिसकी मजलिस के अंदर उलूम शरिया की और उसको उसके मुकदमात के उलूम के अपने जमाने के सबसे माहिर तरीन अफराद बैठे हुए हों, उनके होते हुए गलती अगर हुई है तो किस शोबे में हुई, किस फन के अंदर हुई है। ये वकील ने पूछा कि वो गलती एक फर्द के जाती इश्तेहाद हो तन्हा हो उसमें हो सकता है कुछ शोबे ऐसे जिसका वो एहसास उसका इस्तकरार ना कर सका हो तो उसकी राय गलत हो जाए। तो उन्होंने पूछा उससे बाकायदा कि आप जो गलती समझते हैं तो वो किस जहत से हुई है, और बताइए कि वो कौन सी उलूम शरिया की जहत है जिसका माहिर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस शुराइयत के अंदर मौजूद नहीं था। और इसी शुराई फिका का नतीजा है। और एक तो ये कि फिर लोग एतराज करते हैं कि एक से ज्यादा आरा है यहां पर, देखिए एक है एक राय पर मुश्तमे हो जाना, लोगों का एक राय पर मुश्तमे हो जाना, एक है दो आरा पर मुश्तमे हो जाना, यह भी उसी तरह अहम बात है। दो आरा पर मुश्तमे होने का मतलब यह कि तीसरी राय इसमें नहीं है, वो जो एहतमालात की एक बेशुमार जो इम्कानात मुमकिन है उनका रास्ता बंद कर दें। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने बाज जगहों पर तो एक राय पर इजमा किया है और बाज जगहों पर जितने इहतमालात हैं हो सकते हैं मुख्तबर उसको कम से कम तय कर लिया है कि वो ये है, वो तीन है, वो चार है या दो है, इससे बाहर नहीं हो सकता मामला। तो ये दोनों अपनी जगह पर बड़ी अहम चीज है और इस्लाम की मुहक्किकाना मिजाज की शान है कि यहां पर अहले इज्तिहाद के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। इसके बाद जो चीज आज के मसाइल में एक और चीज जो बड़ी जरूरी है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्ज तफक्को उनके यहां से चला है, तो दो मसाइल अहम तरीन पेश आते हैं। सबसे पहले मुसलमानों का सियासी निजाम है, और जब मुसलमानों का सियासी निजाम शरीयत के उसूलों के मुताबिक स्टैब्लिश हो जाए, वो बन जाए, तो फिर बाकी निजामों के सोते उसी से फूटते हैं, माशी निजाम के भी और माशरती निजाम के भी और इक्तसादी माशी निजाम के भी और तालीमी निजाम के भी और दूसरी चीजों के। तो हनफियत को जो ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा की जो सियासी तारीख के साथ रहा है इन 1400 सालों में, उसके पासन में भी किसी और मुज्तहिद को या उनके मजहब को उसका मौका नहीं मिल सका। इस वजह से हमेशा ये समझा आखिरी अदालतें जो दुनिया के अंदर अगर बंद हुई है कहीं पर या उनका चलन अगर खत्म हुआ सल्तनत उस्मानिया की या उससे पहले सल्तनत अब्बासिया के बाद सल्तनत उस्मानिया की, तो वो हनफी फुकहा की अदालतें थी जहां से बाकायदा रोजमर्रा उमूर के बारे में फैसले किए जाते रहे थे। इसी वजह से आज हम जदीद मालियाती मसाइल की जितनी कमेटियां पूरी दुनिया में बनी है और लोग जहां पर बैठते हैं, चूंकि आपको पता होगा कि उसकी जो कमेटी की तकवीम है या उसको जो बनाया जाता है उसमें तमाम मजाहिब से उलमा लिए जाते हैं। मौजूदा इस्लामी मालियाती इदारों को भी जो लोग देख रहे हैं, उलमा की जो बैन अल-अक़वामी कमेटियां देख रही हैं, उसमें तमाम मजाहिब से उलमा मौजूद है, मालिकी भी है, हनाबला भी है, शाफे भी है, हनाफ भी है, और वहां पर जो हजरात अहनाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हजरात इसको बार बार बयान करते हैं कि 60-70% बाज़ 70% और बाज़ इससे भी ज्यादा फीसद मसाइल
जब ये चारों हजरात आलगे वहां, तो इस बात पर चूंकि मसाइल तो बैन अवी नौत के और हुकूमत के अंदर मुतादैन के मजाहब मुख्तलिफ हैं कि एक मजहब से दूसरे मजहब से उसमें किसी एक पर इसरार तो हो नहीं सकता, लेकिन जब एक पर इसरार ना भी हो तो अगर मजाहिब अरबा की हुदूद में भी रहना चाहें तो सबसे ज्यादा जहां से अमली और प्रैक्टिकल मसाइल मिलते हैं वो हनफियत के हैं और 70% 80% उसी के ऊपर अमल किया जाता है कि वही काबिल अमल। इस पर बाकी मजाहिब के हजरात भी इस अमलियत पसंदी के कायल है कि बाकी चूंकि ये लोग अमली तौर पर निजाम दुनिया का चलाते रहे और सियासी निजाम चलाया है और सियासी निजाम के जिम्मे में आने वाले बाकी सारे निजामों को चलाया है, इस वजह से सबसे ज्यादा काबिल अमल। इस दुनिया को इस वक्त अमन व अमान के हवाले से जो मसाइल दरपेश है, इसमें भी अगर मजाहिब की तरफ आया जाए, अगर मजहब में हनफियत की तरफ आया जाए तो अइमतुल जौर के खिलाफ खुरूज के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, इससे जो हल दुनिया को हनफियत फराहम करती है वो कहीं पर कोई और मजहब नहीं फराहम कर सकता। और आजाद लोगों ने तो उसके इसी का फायदा उठाकर मजहब की कैद का कलादा अपने गले से उतार कर जितनी चीजों को आगे बढ़ाया और जहां तक सूरत हाल लेकर गए हैं वो आप हजरात को बखूबी इल्म है। इसी वजह से इसी जरूरत का एहसास करते हुए आज सऊदी अरब के अंदर जो नई उनकी लजला बनी है, जो शूरा है जिसके बारे में कहा गया कि वो मामलात को देखेगी, उसमें बराए नाम सही मगर बहरन हनफी आलिम को उसमें उन्होंने बिठाया है, उसकी जरूरत को तस्लीम किया है। और वरना आज से 50 साल 30 साल या 20-15 साल पहले हनफियत और कबर परस्ती और हनफियत और शिर्क को मुतरादिफ मानों के अंदर समझा जाता था कि मसल और जो उनके यहाँ वो शजरा तस्लीम किया जाता था उसके अंदर पहले बाकायदा फिरत दौल्ला के अंदर हनफियों का जिक्र भी होता था, लेकिन आज जब ये सियासी मसाइल अब मजहब के बगैर हल नहीं हो रहे, ये सिर अब खुला है जाकर कि अगर मजाहिब की कैद से बाहर जाएंगे तो इख्तलाल खतरे के अंदर है, तो फिर हनफियत की जरूरत समझ के अंदर आई है कि हाँ यहाँ तो अइमा ने तो कुछ ऐसे सेफ्टी वॉल्व लगाए हैं, कुछ ऐसी शराइत और ऐसी कयूदात रखी है जिसकी वजह से बाहर हर माशरे का अमन किसी न किसी दर्जे के अंदर बरकरार होता है। उसूल इश्तिहाद और इस्तेमाल के बारे में जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की काविश है और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की अमाली से जो चीजें मिलती हैं, एक आम तौर पर हमारे दीन मदारिस के तलबा ये समझते हैं कि रिसाला इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इमाम का पहला उसूल फिका के अंदर रिसाला है और उसकी तकलीद शायद वहां पर हुई है, लेकिन जो लोग इस फन के लोग हैं वो इसको जानते हैं कि उसूल और कवायद का तो मतलब ये है कि ऐसा जाब्ता मुतारफ कराया जाए जिसके जो पूरा जामे और मान्य हो, उसमें अपने तमाम मशमूलात को शामिल हो और अपने गैर को मान्य हो। मिसाल वहां पर जो कवायद बने हैं उसमें वो चीजें इस तरह मौजूद नहीं है और जो हनफियों के यहाँ मौजूद है, मसलन मरासिल के बारे में एक मशहूर मारूफ तसव्वुर है कि इहतिजाज बिल मुरसल दुरुस्त नहीं है सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, तो जब उस पर नजर की जाए मजहब पर तो जा बजा मरासिल नजर आती है, और जब पूछे कि जी ये मरासिल जब इहतिजाज बिल मुरसल ठीक नहीं है तो ये मुरसल कहां से आई, तो कहते नहीं पर अब मुरसलात अगर सईद इब्न मुसय्यब की है, अगर उसकी है तो फिर ठीक है, अगर फलाने की है तो फिर ठीक नहीं है। फिकी कवायद तो इस तरह नहीं होते, फिर या तो वो ठीक होगी या पहले कायदे के तो उसको रखा जाएगा। तो खैर उस पर आजाद शाफी ने तफसीली जवाब दिए हैं सारी बात की और शुरू से उसको कैद के अंदर रखा है बाज़ जगहों के ऊपर कि जब हम कहते हैं मुरसल को हमारी मुरसल से मुराद क्या होती है। तीसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने भी और खुद उन्होंने भी उन मसाइल को जिक्र किया है जो उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे। ये जो हजारों मसाइल के इस्तेमाल 80,000 और 70,000 खुद इमाम साहब से अपने शागिर्दों से वो सारे के सारे तो उस जमाने के अंदर थे नहीं। आज के लोग भी कहते हैं कि इसके मुकाबले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम दार हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का यह ख्याल था कि जब उनके पास मसला पूछा जाता था कोई आता था तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पूछा करते थे उस मसले के बारे में कि हल वका क्या हुआ है, ऐसा ये मसला पेश आया किसी को, अगर वो कहता था कि पेश नहीं आया तो क्या करते थे कि इसको छोड़ दिया जाए, जब पेश आएगा तो फिर देखा जाएगा। उसके मुकाबले इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने शायद ये आजकल के लोगों का रास्ता रोकने के लिए जो आज इस तरह उठे उसी जमाने में उन मसाइल का भी हल पेश किया जो कि
जो कि अभी अभी आए नहीं थे, जो पेश नहीं हुए थे, जो जो लोगों को अभी सामने आए नहीं थे, वो हवारिस जो अभी सामने नवाजिल नहीं आए थे, उसका हल भी वहां पर उन किताबों के अंदर कसरत के साथ मौजूद है। ये दरहकीकत बाद में आने वाले उन नाम निहाल मुज्तहिदीन को जहमत देने से एक एक वो है, एक कोशिश ऐसी कि उनको जहमत ना हो कि जो इश्तिहाद का दावा करेंगे और अपने जमाने के मसाइल हल करने की उसके जरिए से कोशिश करेंगे, जिनको और वो उसके हल नहीं होंगे। इसी से आज भी लोग फायदा उठा रहे हैं, और हमारे बड़े मोहतरम महक्किक डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब मरहूम को खुसूसन इस पर एक बड़ा यद तूला था उनका, कि उन्होंने बैन अल-अक़वामी कवानीन और बैन अल-अक़वामी सियासत के हवाले से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से बहुत सी वो चीजें निकाली, और आज भी जदीद अंग्रेजी कानून या बैन अल-अक़वामी सियासियात के जो उसूल और ज़वाबित हैं वो वहां तक नहीं पहुंच सके। बाजों तक अभी पहुंचे हैं और बाज बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक बैन अल-अक़वामी कवानीन के माहिरीन उनसे नावाकिफ हैं। हदीस शरीफ के साथ इमाम साहब का ताल्लुक पर गुफ्तगू साथी मुस्तकिल फरमाएंगे, और बहुत मशहूर और मारूफ मसला है कि इस पर इससे याद आया कि अगरचे जो चीजें इन हजरात के लिए फखर का बायस था उसको जा बजा फबती और उसके अंदर एक तंज का बायस बना दिया गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो आपको नजर आता होगा, अराईदी, वो लोग जो हर चीज के अंदर अराईता कहते हैं कि अराईता, अगर ऐसा होता तो फिर जवाब देते। ये वो लोग कहते हैं कि ये लोग अराईदीन है कि मसला होता नहीं है, और वैसे ही कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए समझ लो मसला यूं है तो फिर जवाब यह है। आज उस जमाने के अंदर तो ये कहा गया, आज बताएं कि 1300 सालों में इसी अराईता के मसाइल से उम्मत ने रस्ते की रोशनी ली है या नहीं ली है। उस जमाने में तो मसले नहीं थे, उस जमाने में तो इसको एक मजाक बनाया गया कि ये लोग मसला है नहीं, अराईता इसकी जरूरत क्या है। लेकिन इन 1200 साल गुजर जाने के बाद आज उम्मत बताए कि वो अराईता काम का था या नहीं था जो 1200 साल पहले कहा गया। आज उससे रोशनी मिली या नहीं मिली, आज मसला वहां से निकला या नहीं निकला। इमाम आज़म इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा कारनामा है जो कि रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। मुझे आखिरी दो बातें जो मैं अर्ज करूं कि जिस पर हम गुफ्तगू की जाती है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अमल अहले मदीना को हुज्जत करार देते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी ये जो साहब अंग्रेजी में बयान फरमा रहे थे, उन्होंने कूफा की अहमियत के ऊपर जो गुफ्तगू की, इमाम इजली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो सहाबा इमाम अब्दुल्लाह बिन मसूद रहमतुल्लाह को कूफा भेजा गया, और उसके कुछ अर्से के बाद इमाम सैयदना अली करमल्लाह वज्ह ने अपना दारुल हुकूमत मदीने से कूफा मुंतकिल किया, और जब वो कूफा आए तो उन्होंने इमाम सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन की मेहनत को देखा तो उनको दुआ दी और कहा कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और अल्लाह राजी हो जाए इब्ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से कि उसने इस शहर को इल्मन और फिक्हन भर दिया है। 4000 शागिर्द उनके ऐसे थे जो उनके शागिर्द उनके शागिर्दों के थे जिस वक्त सैयदना अली करमल्लाह वज्ह कूफा तशरीफ लाए। तो इसलिए ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने सहाबा की वो तादाद जिसने मन तवक्कुल रखा, जिन्होंने कूफा को वतन बना लिया, जो कूफा आने के बाद वापस नहीं गए, कूफा ही में रहे, उनकी तादाद 1500 के लगभग ये सहाबा कूफा आ चुके थे। और जो आए हैं पढ़ा है कूफा के लोगों से, कूफा में जो सहाबा किबार सहाबा से अगर कुछ सगार सहाबा आए और रहे और वापस गए, उनकी तादाद इसमें दाखिल नहीं है। 1500 तो वो है जिन्होंने कूफा को वतन बनाया है, और इन 1500 में से 70 सहाबा बदरी ये कूफा के अंदर है। अब मरकज इल्म जब मुसलमानों का सियासी दारुल खिलाफा कूफा हो गया तो उनका इल्मी दारुल खिलाफा भी कूफा हो गया। तो जैसे कि हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम दार हिजरा अमल अहले मदीना को हुज्जत समझते हैं, तो क्या इस हैसियत के साथ अमल अहले कूफा हुज्जत है कि जो मदीना से भी ज्यादा कुव्वत रखता है उस जमाने के सियासी हालात की वजह से, कि सहाबा की के झंझटे की वजह से और सहाबा की कसरत की वजह से बदर में कुल 313,000 शरीक हुए हैं, कितने शहीद हुए हैं, उनमें से 70 कूफा के अंदर मौजूद है और वहां बुलाने वाले। तो अगर ये फिकह हनफी ना होता तो अमल अहले कूफा भी ना होता, और अमल अहले कूफा का जाना दीन का कितना बड़ा हिस्सा है जिससे, और जहां पर लोगों ने लफ्ज की रिवायत की पैरवी की है, वहां पर जो अमल की रिवायत की पैरवी का मामला है, और अमल का तबातुर जो उम्मत के लिए महफूज रखा है वो भी अहनाफ का कारनामा है। आज जो जिन चीजों पर जरूर पेश आएगी, जब भी अहले हल वक्त बैठेंगे और मसाइल को हल करना चाहेंगे तो ला महाला अगर वो इंसाफ पसंद होंगे तो उनकी नजरें हनफियत ही की जानेब उठेंगी। बाकी ये आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि हम तकरीर शख्सी के कायल हैं, चाहे वो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हो या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की हो, इमाम अहमद की हो या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हो, तकरीर
شخصی ہونی چاہیے جو علاقہ ہے ہمارے کافر نے ہمیشہ یہی کہا اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ وہ افریقہ جا رہا ہے اور وہ وہاں پر کس مذہب کے اختیار کرے تو جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے اس لیے کہیں گے کہ اس کو مذہب مالکی پہ اختیار کرنا چاہیے وہاں کا مذہب ہے اور اسے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو جب ہم سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسا تقابل نہیں ہوتا کہ جس میں باقی مذاہب کا کوئی انکار ہو خدا نخواستہ یا ان کی کوئی تحقیر ہو, بلکہ یہ چاروں مذاہب اہل سنت کا فروعی مذاہب ان کا سرمایہ ہے اور اہل سنت حق کو اس مذاہب اربع میں دائر سمجھتے ہیں. اور مجھے اس پر ایک آخری بات یاد آئی جو کہ اہل علم کے کام کی ہوگی اور اس پہ میں اپنی بات کو پورا کروں گا کہ ہمارے ہاں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر سلمان ندوی تشریف لائے ڈربن سے ساؤتھ افریقہ سے. کہنے لگے کہ میرے والد مولانا سید سلیمان ندوی کا پس منظر آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ندوی فضلاء کی طرح ان کے ہاں خاص قسم کی آزادی پائی جاتی تھی. اور پھر انہوں نے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف لائے. اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کا اثر بھی تھا. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزاج اور اپنے مذاق کے موافق ان سے پہلے پوچھا کہ آپ کی فقہی مسائل میں آپ کی رائے کیا ہے. تو حضرت نے جو خط لکھا جواب دیا اس میں لکھا کہ فقہ میں توسو کا قائل مولانا سید سلیمان ندوی نے کہا, اور حق کو مذاہب اربع میں محصور سمجھتا ہوں. فقہ میں توسو کا قائل ہوں, حق کو مذاہب اربع میں محصور سمجھتا ہوں, اور تیسری بات لکھی کہ لیکن اپنے آپ کو متاخرین کی آراء کا پابند نہیں سمجھتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ کے ساتھ میری کافی مناسبت ہے, میں بھی فقہ میں توسو کا قائل ہوں اور حق کو مذاہب اربع میں محصور سمجھتا ہوں, لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو متاخرین کی آراء کا پابند سمجھتا ہوں. تو اس کے بعد مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے اگلا خط لکھا کہ حضرت آج سے میں بھی اپنے آپ کو متاخرین کی آراء کا پابند سمجھتا ہوں. تو یہ متاخرین کی جو آراء ہیں یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اس طرح اڑا دیا جائے, یہ بھی بڑے اپنے زمانے کے بڑے اہل دانش اور اہل علم ہیں, اور ان کو یہ بہت بڑا علمی ذخیرہ اور سرمایہ ہے جو آج پہنچا الحمدللہ. یہ جماعتیں اور یہ محنتیں اور یہ مدارس یہ اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے اتنے بڑے 1400 سال کے فقہی اور علمی ذخیرے سے جو لوگ دستبردار ہو گئے ہیں, آپ ان کی محرومی کا اندازہ لگائیں کہ ہزاروں لاکھوں علماء اور فقہا اور مجتہدین ان کے استنباطات ان کے اجتہادات ان کے علمی ذخیرہ اور سرمایہ آج اس سارے کو دریابرد کرنے والا اپنے آپ کو علم کی روایت کا امین اور پاسدار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا سمجھتا ہے, اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے سینے سے یہ 1400 سالوں کی اس سارے علم اور دانش کے ذخیرے کو لگائے بیٹھے ہیں اور اس کی حفاظت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور امت کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ امت اس سے فائدہ اٹھائے, مبارک ہے وہ جماعت اور مبارک ہے وہ محنت جو اس کام میں ہو. ان کے ساتھ سلف کی اسلاف کی دعائیں بھی ہیں اور ان کی روحانی توجہات اور برکات بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.